नीट के बाद जब मैं एक अच्छे कॉलेज की खोज में थी, तब मैं एक कंसल्टेंट के पास गई और मैंने उनसे पूछा कि मुझे एक अफोर्डेबल बट जहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो वैसे कोई कॉलेज सजेस्ट करे। तो उन्होंने किर्गिस्तान को सजेस्ट किया मुझे। और जब मैंने अपनी रिसर्च की किर्गिस्तान में और जब मैंने यहाँ अलग अलग कॉलेजेस में कंपेरिजन किया, तो मुझे जासू अपने बजट में भी लगा और यहाँ की पढ़ाई और यहाँ के हॉस्टल और यहाँ की सिक्योरिटी, इन सब सारी चीज़ों को कंपैरेटिवली मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। जासू का सारा एनवायरनमेंट और यहाँ की पढ़ाई सारी इंग्लिश लैंग्वेज में थी और यहाँ पे अलग से गर्ल्स हॉस्टल है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा सेफ फील करती थी और इसीलिए मैंने जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी को चुना। यहाँ पर हमें MCA क्लासेस भी दिए जाते हैं जहाँ से इंडिया के हर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट एक्रेडिटेड टीचर्स आते हैं, हमें यहाँ पे सिखाते हैं। हमें फोर्थ फिफ्थ ईयर से ही MCA क्लासेस अटेंड करने होते हैं, रेगुलर क्लासेस होते हैं जिससे हमें पढ़ाई में आसानी होती है, हमें हमारी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होती है और हमारे लिए ये इसीलिए ज़्यादा आसान हो जाता है कि हमसे कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जाते हैं MCA क्लासेस के लिए। तो MCA क्लासेस होना हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। यहाँ हमारे मेस के अंदर हमें इंडियन खाना मिलता है जो हमारे इंडियन कुक बनाते हैं और हमें 3 टाइम का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ मिलता है और घर के खाने जैसा ही फील देता है वो। हमें घर के खाने की उतनी याद नहीं आती क्योंकि यहाँ पे मेस बहुत ही अच्छा है और आपको बहुत ही टेस्टी और क्लीन खाना मिलेगा। यहाँ पे बिल्कुल भी गंदगी नहीं है किचन में। जब मैं इंडिया से यहाँ आई थी तब मैंने सोचा था गर्ल्स हॉस्टल का कैसा रहेगा एनवायरनमेंट, पर जब मैं यहाँ आई तब मैंने देखा कि यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से रूम्स प्रोवाइड हुए, यहाँ पे हमारे लिए मेस है, हमें यहाँ पे फिटनेस क्लब मिलता है, हमें बाहर ही शॉप मिलता है जहाँ से हम आसानी से कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। हॉस्टल के बाहर ही हमारे एक कैफे है जिसमें हम जाके कुछ भी खा सकते हैं। हॉस्टल के अंदर हमें क्लीनलीनेस भी अवेलेबल है, हमें ठंड के मौसम में हमें हीटर्स भी प्रोवाइड होते हैं और यहाँ पे हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे सीनियर्स हमें एनी टाइम एनी वेयर हेल्प कर देते हैं। हमारे हॉस्टल्स में डिस्पेंसरीज है जहाँ जो हमारे लिए खुली होती है, हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम डिस्पेंसरी जा सकते हैं और हमें वहाँ पे टॉप टू टॉप मेडिकल हेल्प मिल जाती है। हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए जासू में फ्रेशर्स पार्टी और फेयरवेल पार्टीज होती है और स्पेशली फ्रेशर्स पार्टी में तो आतिफ असलम और धोनी भानुशाली जैसे सिंगर्स आते हैं हमारे एंजॉयमेंट के लिए। और यहाँ पर जलालाबाद गॉट टैलेंट जैसे डिफरेंट शोज होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स अपनी अंदर की टैलेंट्स दिखा सकते हैं और ये सारे बहुत ही एंटरटेनिंग होते हैं और हमारे लिए बहुत ही रिलैक्सिंग होता है क्योंकि जो हम पूरा दिन स्टडी करते रहते हैं तो हमारे लिए एज अ रिलैक्सेशन ये बहुत अच्छा सोर्स है जलालाबाद। तो इसीलिए जासू में जो इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होती है और इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं और MCA टीचर्स भी होते हैं और यहाँ पे हॉस्टल्स भी हैं और बहुत अच्छे हमें अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से मैं आपको जासू से मिलने को। थैंक यू।